नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं किरण शर्मा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले प्रदेश में सरकार के केवल जुमले बेटियों को शिक्षित नहीं कर पा रहे। पलवल के बड़ोली गांव में गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में पिछले 5 सालों से केवल मात्र 2 लेक्चरर्स के दम पर चल रहा है। कॉलेज की चरमरारती हालत के कारण छात्राओं के 3 बैच यहाँ से निकल चुके हैं, लेकिन फिर भी 2 अध्यापकों के सहारे चल रहे इस राजकीय कॉलेज में पेरेंट्स अपनी बेटियों का दाखिला मोदी के भरोसे और विश्वास पर करा रहे हैं। प्रदेश के इस कॉलेज में 5 सालों से टीचिंग स्टाफ की 15 पोस्टों के बजाय मात्र 2 ही टीचर हैं। यहाँ पिछले 5 सालों से ना तो लाइब्रेरियन है और ना ही लैब अटेंडेंट। 7 चपरासी की पोस्ट के बजाय मात्र 2 PN कॉलेज को मिले हैं। इसी वजह से इस बार लड़कियों के दाखिले अभी तक पिछले साल की तुलना में कम हुए हैं। यहाँ हिंदी और हिस्ट्री के लेक्चरर की पोस्टों के अलावा एक भी सब्जेक्ट के टीचर नहीं है। देखिए हमारे संवाददाता सौरभ वर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। जैसे कि मैंने शुरुआत में आपको बताया कि यहाँ पेरेंट्स अपनी बेटियों का दाखिला मोदी के भरोसे करवा रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि 8 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कॉलेज का उद्घाटन किया था। उद्घाटन कार्यक्रम में तत्कालीन राज्यपाल और मुख्यमंत्री के अलावा अन्य मंत्री भी शामिल हुए थे। उस समय बड़ी बड़ी बातें की गई थी कि कॉलेज की तमाम व्यवस्थाएँ और शिक्षक आदि बहुत कॉलेज को दिए जाएंगे, लेकिन आज तक कॉलेज का स्टाफ 10% भी पूरा नहीं हुआ है। जो टीचर कॉलेज में परमानेंट कार्यरत हैं, उनमें हिंदी महिला टीचर और हिस्ट्री के प्राध्यापक सुनील कुमार यदुवंशी हैं, जिन्हें कार्यकारी प्रिंसिपल का भार भी सौंपा गया है। सुनील कुमार यदुवंशी से जब इस बारे में बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि उनके पास ऑफिस का भी काम होता है और इस वजह से वह समय नहीं निकाल पाते, लेकिन फिर भी बीच में से अपने काम से फुर्सत निकाल कर बच्चों को पढ़ाने जरूर जाते हैं। इस बारे में जब उनसे बात की गई तो क्या कहा कार्यकारी प्रिंसिपल सुनील कुमार यदुवंशी ने, सुनिए। अबकी बार उम्मीदें कम हैं सीटें पूरी होने के लिए, क्योंकि अबकी बार थोड़ा इलाके में जो कॉलेज का टीचिंग स्टाफ की वजह से माहौल रहा वो कमज़ोर रहा, क्योंकि पेरेंट्स की शिकायतें आती हैं काफ़ी ज़्यादा कि आपके पास टीचर नहीं है, हम अपने बच्चों को क्यों कॉलेज भेजें। इसलिए अब की बार कम उम्मीदें हैं कि सीटें फुल भर जाएं हमारे। तो इस बार टीचर्स की या लेक्चरर्स की कैसे पूर्ति करेंगे? अब की बार भी वैकल्पिक तौर पर ऊपर के अधिकारियों को बता दिया गया है, वैकल्पिक तौर पर व्यवस्थाएं हो जाएंगी। सप्ते में 3 दिन के लिए मिनिमम टीचर हमारे पास आ जाएंगे जिन सब्जेक्टों में हमें रिक्वायरमेंट होगी। अच्छा, सेंक्शन पोस्ट कितनी है यहाँ पर? हमारे पास 15 सेंक्शन पोस्ट हैं। उनके अगेंस्ट केवल आपको केवल इसके अलावा नॉन टीचिंग स्टाफ की सेंक्शन पोस्ट कितनी है? नॉन टीचिंग में हमारे पास 7 सेंक्शन पोस्ट हैं। हमारे पास उनमें भी 2 कर्मचारी हैं, एक मेरे पास PN है और एक मेरे पास में क्लर्क है। एक मेरे पास में डेप्यूटेशन पे मैडम आती हैं वीक में 3 दिन के लिए नॉन टीचिंग में। लास्ट 3 डेज लाइब्रेरियन और लैबों में मेरे पास कोई भी कर्मचारी नहीं है। कंप्यूटर लैब में भी मेरे पास कोई नहीं है, ज्योग्राफी लैब में भी कोई नहीं है, किसी भी लैब में मेरे पास कोई कर्मचारी कार्य नहीं है। ये कॉलेज सेशन 2018 में शुरू हुआ था, इसका फर्स्ट सेशन 2018 में शुरू तभी से मेरी यहाँ 2020 में पोस्टिंग हुई थी, तो यहाँ तभी से कर्मचारियों की संख्या कम ही रही है। इस सब के बावजूद कॉलेज की चरमराती शैक्षिक व्यवस्था को लेकर लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आस लगाए बैठे। अभिभावकों ने कहा कि हमें भरोसा है कि इस बार कॉलेज में टीचरों की कमी को पूरा कर दिया जाएगा। गांव के लोग अपनी बेटियों का दाखिला इस अभावग्रस्त कॉलेज में करा रहे हैं। सुनिए गांव बड़ोली के गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में अपनी बेटी का दाखिला कराने आए अभिभावक ने क्या कहा। गाँव कौन सा है? मेरा गाँव नंदावाला बड़ोली है जी। बड़ोली हमारा पंचायत पहले बड़ोली में थी, अब अलग हो गई, नंदा वाला गांव है जी। और नाम मेरा अजीत और पप्पी है जी। यहाँ किस लिए आए कॉलेज में? यहाँ मैं बिटिया का एडमिशन करवाने लेके आया था जी, अपने इसी गर्ल कॉलेज में जी। हाँ, बेटी की इच्छा थी पढ़ाई की? बेटी की नहीं, हमारी तो है जी। हमारी क्या जी, हमारे तो जो देश का जो मालिक बैठा है उसकी इच्छा है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ जी।
तो हमारी इच्छा कहाँ चली उनके आगे जी, वो जो कर रहे इच्छा के माल तो वो है जी, और फिर हमारा तो फर्ज है जी बेटी को पढ़ाना और बेटी को बचाना जी, और हम पे इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं जी, जो हमारा फर्ज हो तो हमें करना पड़ेगा जी, और बेटी की इच्छा है जी हमारी पढ़ने की तो जी, क्योंकि मान लो हम बेटी को पहले 10 पढ़ाते थे और 10 पढ़ा के बेटी को फिर भी अब क्या पढ़ाना पढ़ाना बेटी को, जब तक वो अगर कोई कहीं भी कुछ भी अपने नहीं लगे, कहीं ड्यूटी नहीं करे, आगे जाए तो आगे भी कोई किसी बच्चे को पढ़ाए, यहाँ भी बच्चों को पढ़ा के जाए, हमारे जो छोटे छोटे बच्चे और हमारे उनको पढ़ाए, तो इसलिए बेटी की इच्छा हमारी भी इच्छा है जी, और हमारे यहाँ अपने नज़दीक कॉलेज हमारा जी, हमारे यहाँ से तो 500 मीटर दूर है जी, और हमारी बहुत बेटियाँ दूर दूर से आ रही है, सरकारी बस भी लगी हुई है इनमें जी, तो यहाँ सुविधा भी है बसों की जी। अच्छा, पिछले साल कॉलेज में टीचर्स की कमी रही थी? हाँ, टीचर की कमी थी जी पिछली बार, और टीचर की अब भी कमी है, लेकिन जी हमें मोदी जी से अभी हमें है कि हमारे मोदी जी टीचरों की हमारी पूर्ति करेंगे इस बार, जो पिछली कमी थी वो की कमी नहीं रहने देंगे, क्योंकि उनका नारा ये एक है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो हमारी वो पूरी हमको उम्मीद है उनसे, और सबको उम्मीद है उनसे, तो पूरे देश को उम्मीद है, वो जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, और हम तो उनके तन मन धन से सब तरह साथ है, आसानी जब से 10 साल से पहले से भी नहीं बने थे जब प्रधानमंत्री देश के, जब भी उनके साथ थे हम, तो क्योंकि एक अच्छा नेता है हमारा, ऐसे नेता से हमारा जो सनातन धर्म है वो आगे बढ़ेगा। बाकी आपको उम्मीद है कि इस बार जो स्टाफ की, जो टीचिंग स्टाफ की पूर्ति हो जाएगी? उम्मीद तो देखो है जी, जैसे कि ऊपर ऊपर जो भी हमारे यहाँ है अफसर है जो वो बता रहे हैं कि भाई आपकी उम्मीद पूर्ति होगी, जो टीचरों की कमी आ रही थी पिछली बार अब नहीं होगी, वो तो इसी उम्मीद को हम लेकर ठहरे हुए जी, इसी उम्मीद से हम एडमिशन करवा रहे बच्चों का यहाँ, नहीं तो हम पे भी और प्राइवेट कॉलेजों से फोन आए थे भैया यहाँ करवा लो यहाँ करवा लो, लेकिन हमने कही भाई हम तो अपने जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो हमको दे रखा हम उसको अपने बच्चों को से पढ़ाएंगे ना जी, हम तो अपनी जैसे किसान आदमी जी, इतना हम पे कहाँ पैसे उधर पढ़ाना है, उधर किराया के लिए वो करना है, अपने नज़दीक हमारे बच्चों को दूर दूर से ले आ रही है बस यहाँ सरकारी, लेकिन जो टीचरों की कमी है थोड़ी है जी यहाँ, इसको आपसे हमारी विनती है इसको थोड़ी रिकवर किया जाए, पूर्ति की जाए टीचरों की। इसी तरह की कुछ खास खबरों के लिए देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।